जी इस वक्त मैं अस्करी पार्क के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर 24 इंच की लाइन जो है वो टूट गई थी, और ये पूरा यूनिवर्सिटी रोड है। सामने की तरफ देख सकते हैं कि अचानक काम किया है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की जानिब से फौरी तौर पर इकदाम उठाए गए। भाई इनसे पूछते हैं क्या हुआ है यहाँ पर? सेवरेज का लाइन डटा हुआ है। सेवरेज का लाइन फट गया था? बिल्कुल डैमेज हो गया था। डैमेज हो गया था, फिर ये क्या हुआ? फिर काम हो रहा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह 24 घंटा जो है ना काम चल रहा है। हाँ, तो वाटर बोर्ड वाले अफसर भी आ रहे हैं और वगैरह जो है ना बहुत अफसर वगैरह आ रहे हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह अभी आज रात के टाइम पे जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल हो। अच्छा, सेवरेज की लाइन बढ़ी थी, ये देखे जी कितना, 24 इंच की लाइन है, और ये पानी जरा चेक करें, ये बड़े प्रेशर से आ रहा है। ये सारा पानी ऊपर की तरफ आ रहा था, आबादी की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल आ रही है। बेचारा जो है ना 6 महीने से आबादी वाले जो है ना परेशान थे, 6 महीने से परेशान थे, ये भाई ये इलाके वाले सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो आके इतनी इल्तिजाओं के बाद कोई पार्टी नहीं करवा रही थी, सिर्फ करवाया तो पीपल्स पार्टी ने करवाया। हाँ। और करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज काम इस्तेमाम पे पहुंचा हुआ है। इस चीज का मैं शुक्रगुजार हूँ रियाज बलोच भाई का, हसाम भाई का, हमारे यूसी के सदर का, फाद मलिक का, वाइस चेयरमैन का, हमारे इलाके के काउंसलर का। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के काबिशों से काम आज इस्तेमाम पे पहुंचा हुआ है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये इलाका मकीन है जो 6 महीने से बड़े परेशान थे, और अब यहाँ का जो मसला है बिल आखिर ये बंद पूरा टूट गया था। अब इन्होंने एक्सक्यूवेटर लेने को देखो, ये पूरा गैस का लेने, वाटर बोर्ड का जो है ना वाटर के लेने, और केबले वगैरह जो है ना ये वहाँ तक जो है ना जा रहे दोनों रोडों में। अच्छा, तो ये जो है ना अल्लाह का शुक्र है, ना कोई केबल टूटा, ना कोई पानी का लेन डैमेज हुआ। हाँ, तो सब कुछ यानी जो है ना अपना तरीके से काम हो गया, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से हो गया। अभी दो पाइप बाकी है, उनको कंप्लीट करके ना रोड को जो है ना खोल दिया जाएगा। खोल दिया जाएगा, मतलब सिर्फ एक रात तक का काम बाकी रह गया है, और वो एक रात में मुकम्मल हो जाएगा, तो रोड को खोल दिया जाएगा। मेन यूनिवर्सिटी रोड है, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी इस वक्त जो है वो थोड़ी सी खोली हुई है, क्योंकि इसके काम के होने से मेन यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक थोड़ी सी मुतासर रहेगी, मगर ये काम हो जाएगा तो उसके बाद ये रोड जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। दिन में भी काम होगा और रात में भी काम किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक जो है वो मुतासर ना हो। ये लाइन आप देख सकते हैं कि ये बंद पूरा टूट गया था। मशीनें, एक्सक्यूवेटर की एक मशीन सामने खड़ी हुई है, और ये मेन सामने अस्करी अम्यूजमेंट पार्क है, इसके बिल्कुल साथ ही ये लाइन जा रही थी, जिसकी वजह से इलाके मकीन बड़े परेशान थे। अब ये मसला जो है वो जो बड़ा पुराना दरपेश मसला था वो हल हुआ है, और भाई ने भी बताया कि एक रात के अंदर जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। बारिशों का सिलसिला जारी है, ताकि देखें बारिशों में पानी अक्सर जमा रहता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना है, मगर ऐसी सूरत हाल में इस बार हमने देखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब हैं, उन्होंने कोशिश की है कि कम से कम इलाका के जो लोग हैं उनको इलाकों में जो पानी जेरे आप आता है उसको निकालने के लिए इकदाम उठाए, मगर पुराना हाल है, 25-30 साल का बिगाड़ है, एक बंदा दुरुस्त नहीं कर सकता, और ये दुरुस्त करने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, इदारों को काम करना पड़ेगा, तब जाके ये मसला हल होगा। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे जो भी आने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम चल रहे हैं, तो शुक्र है कि आज छुट्टी है, छुट्टी की वजह से जो है वो यहाँ पर अच्छे से काम हो रहा है, वरना अगर छुट्टी ना होती तो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता। कोशिश यही है कि रात तक इस काम को पूरा मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि लोगों को भी मुश्किलात का सामना ना हो, और ये पूरा जो इलाका है जो बैक साइड की तरफ ये सारा जेर आब आ गया था, पानी सारा सेवरेज का गंदा पानी इनके इलाकों में आ गया था, जिसकी वजह से जो है वो ये काम करना पड़ा, और ये मेन रोड के ऊपर काम हो रहा है, जो कि रात तक इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, और थोड़ा काम रह गया वो रात तक मुकम्मल होगा।